पूरे हालात मालूम नहीं हैं, तो इसके लिए मैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना मांगता हूँ, क्योंकि अभी पूरा क्लियर नहीं था ये लेक्चर होने से पहले जो मैंने बातें सुनी, तो अभी उसके ऊपर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये आ गई है रिपोर्ट कि हमने एफ16 नहीं, देखिए उस रिपोर्टों के ऊपर मैं नहीं चलूँगा जब तक मुझे कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं मिली। सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप, इस तरह का? ये देखो बात यह है कि अभी टेररिज्म हमारी कंट्री में पिछले 30 साल से ज़्यादा चल रहा है, और आपने देखा है कि बार बार बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, और हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पुलवामा का इंसिडेंट है, वो जो हुआ और जिस समय ये हुआ, तो उसमें जैसे वो कहते हैं अंग्रेज़ी में कि लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, तो वही हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे देश की और देशवासियों की सब्र का अब अंत हो गया है, तो इसलिए एक कुछ काम करने की ज़रूरत थी, उनको कहना कि भाई ये टेररिज्म हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, अगर आप लोग इसको कंट्रोल नहीं करते हो तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो हमने स्ट्राइक की है 26 तारीख को सुबह, वो बड़ी कंट्रोल थी, कंट्रोल थी, और उसके बीच में हमारा निशाना टेररिस्ट का कैंप था, उसके बीच में हमारा निशाना पाकिस्तानी मिलिट्री का नहीं था, पाकिस्तान सिटीजन्स का नहीं था, और एक किस्म से वो सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई थी, एक किस्म के वो प्रीएम्प्टिव थी, क्योंकि वो लोग ये भी थ्रेट कर रहे थे कि हम और भी करेंगे, जैश मोहम्मद ने ये भी कहा था कि हम और भी करेंगे, तो इट वाज इन सेल्फ डिफेंस, इट वाज डन इन दैट मैनर, एंड देयरफॉर वी थॉट इट वाज एप्रोप्रिएट, आई फील दैट इट वाज द राइट थिंग टू डू एट दैट टाइम। उसके बाद में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होना था, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी फ़ौज का, पाकिस्तानी एयरफोर्स का अभी उनका नहीं, उनकी इज्जत की बात थी, उनकी इज्जत की बात है, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना था, और उसके लिए हमको तैयार रहना है, ना सिर्फ जो आज हुआ है ऐसी हरकतें और भी हो सकती हैं, पर हमको ये भी तैयार रहना है कि जो उनके चमचे हैं या उनके ये जो पाले हुए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी और कर सकते हैं, ये करेंगे। तो जो अभी शुरू हुआ है, खासकर टेररिस्ट की जो एक्टिविटी है, मुझे है कि ये शायद और चलेगी, और ये अभी एक स्ट्राइक के बाद में, हमारी स्ट्राइक के बाद में ख़त्म नहीं होगी, और ना ही हमारी तरफ से ये आखिरी कार्रवाई है। तो क्या आपको लगता है कि आप आने वाले दिनों में वो जो मिलिटेंट हैं इंडिया के अंदर आके कुछ कर सकते हैं, कि आप बॉर्डर पे ही चल रहे हैं? नहीं, अंदर भी आके कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी किया है, मुझे याद आता है कारगिल लड़ाई के बाद में जब वो हार गए, तो फौज, उनकी फ़ौज ने फिर यही दोबारा कार्रवाई JNK में ज़्यादा की, और एक दो साल तक वो कार्रवाई फिर बढ़ गई ऊपर, और उसको कंट्रोल करना पड़ा। तो ऐसी हालत हो सकती हैं, और उसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। सर, कारगिल वॉर में आप थे, आप जिस तरह से प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया है उसको किस तरह से देखते हैं, अब कितना सख्त डिसीजन है या नहीं? ठीक डिसीजन लिया है, और जो डिसीजन होता है वो सिर्फ एक आदमी के ऊपर नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोर्स लीडर है, और उन्होंने आखिरी में तो हाँ उन्होंने ही करनी है, लेकिन ये डिसीजन जो होगा ये सोच समझ के फौज के जो चीफ्स हैं उनको भी कंसल्ट किया होगा, और बाकी मिनिस्टर्स को भी
तो ऐसे डिसीजन आमतौर के ऊपर CCS में लिए जाते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो उन्होंने लिया हो। सर, ये जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि इंडिया ये बहाना बना रहा है, जब भी कभी इलेक्शन आता है, जब भी कभी कुछ आता है, वो अपनी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि ऐसा ये करते हैं, कभी कारगिल वार कराई का, अब ये हो गया, या इसके बारे में क्या आप उनसे सहमत हैं या क्या है? देखो, मैं इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेता हूँ, खासकर जो पाकिस्तान से बोलते हैं। पहले हम लोगों ने कई चीज़ें सुनी परवेज मुशर्रफ से, तो आई नेवर बिलीव्ड, यू नो, सो वी हैव टू मेक आर ओन जजमेंट, वी हैव टू मेक आर ओन असेसमेंट। ये जो पॉलिटिकल रेटरिक चलते हैं दोनों तरफ से, तो उसको हम लोग दूर रखते हैं, हम लोगों को रियलिज्म में जाना पड़ता है। रियलिज्म की मैं अगर ये सीधा क्वेश्चन पूछूं, क्या ये सच है कि अगर बिकॉज यू आर ना आर्मी फॉर्मर आर्मी चीफ, ये सही है कि क्या पाकिस्तान से टेररिज्म आ रहा है? बिल्कुल, आपको क्यों शक है? नहीं, बिल्कुल शक नहीं। फिर सर, जिस तरह से अलर्ट कर दिया गया है, सारे एयरपोर्ट हमारे नॉर्दर्न के बंद कर दिए गए हैं, क्या आपको लगता है कि ये वॉरलाइक सिचुएशन है, आप कुछ भी हो सकता है या मतलब तैयारी है? देखो, लोग बड़े, सबसे जरूरी बात ये है कि मैं पैनिक नहीं देखना मांगता और ना होना चाहिए, अभी जो हालात हैं वो बिल्कुल नहीं जरूरत है, लेकिन हमको प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे, सिक्योरिटी जो है हमको टाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी खतरा है ये टेररिस्ट की तरफ से या ऐसे कोई है, तो उसके लिए तो हमको अपनी जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं वो टाइट करने पड़ेंगे। पाकिस्तान आर्मी से भी खतरा रहता है आपको, क्या वो रिटेलिएट कर सकते हैं? और अगर वो करेंगे तो उनको चोट खानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि पहली बात यह है कि ना सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स हमारी जो है सब वो अच्छा जवाब दे सकती हैं, पर मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी खुद की हालत बड़ी ख़राब है इस वक्त, उनके पास पैसे नहीं हैं, कितनी देर तक काम करेंगे ये? और ये आज सुषमा स्वराज चाइना में हैं, तो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, शुरू से वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्लोमेसी और वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको साथ साथ चलाना पड़ता है आजकल, नॉट सिर्फ वो बल्कि जितने बाकी इकोनॉमिक प्रेशर भी डालना पड़ता है, डिप्लोमेसी चलती है, तो ये सब इकट्ठी मिलके ही आजकल हमको करनी पड़ती है। सर, लास्ट सवाल, ये इंडिया कितना कर सकता है ट्राई, अगर रिट्रीट होता है पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया कितना पावरफुल है और कितनी देर में? आपकी इकोनॉमी 10 गुना उनसे ज़्यादा है, ठीक है, सीधी बात ये है, और दूसरी बात ये भी है कि हमारे पास फौज भी ज़्यादा ताकतवर है उनसे, तो पर दोनों देश, मैं समझता हूँ लड़ाई दोनों देशों के हित में नहीं है, ना उनके हित में है ना हमारे हित में, पर अगर कोई बेवकूफ़ी करता है और वो छेड़ने की कोशिश करता है तो फिर उसका जवाब देना। जे तुहाडे है आयल्स विच 6 ईच बैंड ते तुहाडे कोल है कैनेडा विच सैटल होने का सुनहरी मौका, SDS प्रणाली के तहत अप्लाई करके तुसी कैनेडा स्टूडेंट वीजा हासिल कर सकते हो। मिलो साडी एक्सपर्ट पिरामिड ई सर्विसिज़ की टीम नू, जिन्हों 14 साल अते 25,000 एप्लीकेशन का तजर्बा है।